कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर नगर मंडल लुधियाना आज जो ये आज धरना प्रदर्शन पंजाब सरकार के खिलाफ दिया जा रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा लुधियाना की तरफ से और वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे प्रभारी विजेंद्र मखौल की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज ये हमने धरना प्रदर्शन पंजाब सरकार के खिलाफ ये लगाया गया है। आप जानते हैं कि जब से ये पंजाब सरकार बनी है इन्होंने लोगों को धोखे के सिवाय और कुछ नहीं दिया। अपने किए हुए वादे, अपने किए हुए वचन ये सब भूल चुके हैं और परमपिता परमात्मा को हाजर नाजर मानकर गुटका साहब को इन्होंने हाथ में पकड़कर जो कैप्टन सरकार ने कसमें खाई थी वो ये कसमें भूल चुके हैं। आज पंजाब पूरा नशे में पूरी तरह से जुड़ चुका है और इसी तरह ही जो पिछले दिनों में बहुत ही दर्दनाक एक हादसा यहाँ पे हुआ है, जो जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हुई है, मृत्यु दर जहरीली शराब से बढ़ रही है, उसका ये शर्मनाक जितना भी कार्य है वो सीधा सीधा पंजाब सरकार को जाता है और इसके विधायकों को जाता है। हम लोगों को कहने में ये इतनी शर्म आती है कि कोरोना वायरस से पिछले 135 दिनों में जितनी मौतें हुई हैं उसके अलावा देखा जाए ग्राफ जो इस जहरीली शराब से लोगों का हुआ वो सर्व बहुत ज्यादा है, लेकिन लुधियाना के जहां पे विधायक अपने अपने घरों में बैठकर चुप साधी हुई है, लेकिन लोगों के लिए इनका कोई भी देखने को नहीं मिल रहा कि लोगों के साथ ये खड़े होकर उनके लिए कुछ करें या उनके लिए कुछ सोचें। मैं भाजपा की समूची टीम लुधियाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पंजाब भाजपा की तरफ से इन लोगों के ऊपर ये कहता हूं कि कृपया अपने घरों से जागो, लोगों के लिए कुछ करो। जो आपने गुटखा साहब पकड़कर नशे मुक्त करने को पंजाब के लिए बोला था, कृपया करके उस भगवान को हाजिर नाजिर करके लिए कुछ लोगों के लिए कुछ कीजिए, यही हमारा कहना है और हमारा यही है, रोता है पंजाब कैप्टन की सरकार। हमारी ये मांग है जी, इस समय 125 लोगों का जो इस समय इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, वो सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण हुई। मैं वो पूछना चाहता हूँ, आज वो लोग कहाँ हैं जो हाथ में गुटखा साहब लेकर के 4 हफ्ते में नशा बंद कराना चाह रहे थे। नशा तो क्या बंद होना था, रविवार को सिर्फ शराब की दुकानें ही खुली हैं, 8 बजे तक काम करने वाली राशन की दुकानें बंद हैं, पर शराब की दुकानें 10 बजे तक खुली हैं। ये कैसा भारत और ये कैसा पंजाब का निर्माण हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि आवाम को ये लोग नशे की गर्त में क्यों डाल रहे हैं? इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये तो आपको क्या लग रहा है कि 125 व्यक्तियों की मौत के ऊपर सिर्फ 5 बंदे इकट्ठे होते? अभी तो हजारों लोग बाहर खड़े हुए हैं जो इनका पूरी तरह से अस्थि प्रदर्शन करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि 125 जो हमारे पंजाब का व्यक्ति मरा है वो इनकी नाकामियों के कारण मरा है। अरे अरे मांग क्या है आप? हमारी ये मांग है कि नशा मुक्त पंजाब हो, पूरे तरीके से नशा मुक्त पंजाब हो और इसके अंदर जो दोषी हैं बीच में उनको पूरी पूरी सजा दी जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से MLA भी इसमें लिप्त हैं।